इसमें कोई शक की बात नहीं कि जहां पर बात अगर वर्ल्ड कप की हो रही है तो वर्ल्ड कप को लेकर सवाल अब भी बना हुआ है कि क्यों सिक्सर किंग और वर्ल्ड कप 2011 से लेकर अंडर 19 के सबसे बड़े योद्धा खिलाड़ी, आईपीएल से लेकर T20 के भी बड़े खिलाड़ी रह चुके, जी हाँ T20 के विजेता खिलाड़ी रह चुके, आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन किंग्स 11 पंजाब में दिखाने वाले युवराज सिंह को मौका नहीं मिला इस बार वर्ल्ड कप जीतने का, वर्ल्ड कप में एक बफर से बड़ा योगदान देने का। तो ऐसे में आपको बता दें, युवराज ने सचिन तेंदुलकर के सवालों का जवाब दिया है, बेहतर प्रदर्शन करने वो लौटेंगे, टीम में शामिल वो जरूर होंगे, भले ये टीम इस वक्त वर्ल्ड कप को लेकर उनका इशारा ना हो। खैर, रोहित शर्मा की कप्तानी में जब मुंबई इंडियन टीम के अंडर युवराज सिंह का नाम सामने आया तो युवराज की खुशी दोगुनी होती नजर आई थी, क्योंकि इन्हें अब इस बात का पूरा भरोसा है कि रोहित शर्मा, जिन्हें वो छोटे भाई का प्यार देते हैं, उस रोहित शर्मा को वो टीम को संभालते देखेंगे। फिलहाल वाइस कैप्टन है रोहित शर्मा टीम इंडिया के और कैप्टन है विराट कोहली, लेकिन विराट कोहली की कप्तानी खतरे में तब पड़ गई जब आईपीएल में उनका प्रदर्शन नहीं बोला, जब उनके क्रिकेट परफॉर्मेंस को लेकर बात हुआ कि वो टीम को मैनेज करना अब भी पूरी तरह से सीख नहीं पाए हैं, इसी वजह से टीम को मिडिल ऑर्डर और चौथे नंबर के पोजीशन के लिए संभालनी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और परेशानी लगातार सालों से बना रहा है इस ऑर्डर पर। ऐसे बता दें आपको, हम मुंबई इंडियन टीम की जीत के बाद रोहित शर्मा पर भरोसा युवराज सिंह का दोगुना हो गया है, इसी की खुशी उन्होंने फिनाली के बाद दिखाई थी, जिससे युवराज सिंह की वापसी की खुशखबरी रोहित शर्मा की तरफ से आ गई है, क्योंकि रोहित शर्मा युवराज की वापसी को लेकर खुशखबरी टीम मुंबई इंडियन के लौटने को लेकर दी थी, जिसके बाद एक बार फिर रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस को लेकर जमकर तारीफ हो रही है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से तृप्ति की रिपोर्ट।